वेलकम टू माई चैनल, आई एम पल्लवी। सो फर्स्टली आई एम सो सॉरी, सो बहुत दिन हो गए हैं मैं रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। सो गाइस आपको पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल आई हूँ, मैं लगभग 6 महीने से अपने पीहर में थी। सो अगर आप कहीं बहुत दिनों के बाद नई जगह आते हो तो आपको थोड़ा अशिफ्ट होने में, मैनेज होने में, उस रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरा जो रूटीन है मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मैं कम्फर्टेबल नहीं हो पा रही थी शूट करने में। एंड सेकेंड थिंग, आपको पता ही है हमारे आस पास अभी कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कोरोना, जो चाइनीज़ वालों ने, जो चाइनीज़ सोल्जर ने जो हमारे इंडियन सोल्जर पे जो अटैक किया, सो ये सब की वजह से हमारे जो आसपास की चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो गई हैं। सो इस वजह से मैं वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ एंड मैं कोई बीच में कोई स्किप ना करूँ वीडियोज़ वगैरह। आई होप आप लोग समझोगे। सो या यही था। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वाटर मिलन आई मेकअप लुक। सो समर को देखते हुए मैंने ये लुक क्रिएट करने का सोचा है एंड इफ़ यू गाइज नो, ये बहुत ट्रेंड में भी है, ऐसे लुक्स इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट करने का सोचा है। सो एंड गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो मेरी एंड आपकी तरह मेकअप लवर है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है, सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्राइमर से। सो मैं यहाँ ले रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर प्राइमर एंड इसे अच्छे से मैं अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड आप देख सकते हो लगाते ही इसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छे से पता चलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। देन मैं यहाँ यूज़ करी फाउंडेशन एंड दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ जो इसके साथ एप्लीकेटर आता है उसकी हेल्प से। देन मैं ये 20 समथिंग का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस, जब ये वेट नहीं था उसके पहले की साइज़ एंड आफ्टर वेट करने के बाद जो इसकी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, एकदम ऐसे फ्लफी सा हो जाता है। एंड अप्लाई करने में भी, ब्लेंडिंग में भी ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड करता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही स्मूथली ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपका जो प्रोडक्ट है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी कंसीलर। एंड यू गाइस नो कि मुझे स्विस ब्यूटी का कंसीलर कितना पसंद है क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल आता है एंड इसकी जो कवरेज है, माई गॉड, जस्ट ऑसम, इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस। सो मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड गाइज आप देख सकते हो कितना ईजिली, कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई प्रेशर नहीं लगा रही हूँ इसे ब्लेंड करने में। देन मैंने यहाँ लिया मेकअप रिलेशन का ये बनाना पाउडर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इसे अच्छे से अपने सारे एरियाज़ पर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है। सो नोज़ पर तो कुछ ज़्यादा ही लग गया बट कोई नहीं, मैं इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ। सोया तो मैं अपने पूरे फेस को शेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ड्यूडी यूसा फेस अच्छा लगता है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ माल्याओ का ये आईब्रो पैलेट एंड इसमें से मैंने ये ग्रे शेड लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेटर आईब्रो ब्रश मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने बहुत ही नेचुरल सा आईब्रो रखा है, कोई ज़्यादा थिक या कोई ड्रामेटिक सा नहीं लुक दिया है, आप देख सकते हो। देन मैं सेम पैलेट से ये कॉन्टोरिंग शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर द कॉन्टोर माई फेस एंड ये बहुत ही मतलब शानदार पैलेट है ये। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये पैलेट ज़रूर लेना चाहिए,
एंड आप डिफरेंट दे सकते हो जिस साइड मैंने कॉन्टोर किया था और जिस साइड मैंने नहीं किया था। सो मैं अपने अच्छे से पूरे फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, अपने फोरहेड को, अपने चिक बोन्स को, अपने जॉलाइन को भी मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। देन मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। मैंने सेम ब्रश को हल्का सा पिंच कर लिया है एंड उसके बाद मैं इसे अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी अपने नोज़ को एंड सी द डिफरेंस। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये मेकअप रिलेशन का पैलेट एंड इसमें से मैंने ये ब्रॉन्जी शेड लिया है। सो इससे मैं अपने फेस को हल्का हल्का ब्रॉन्ज अप करूँगी। जस्ट लुक एट माई फेस गाइज, कितना बढ़िया लग रहा है। सो देन मैं यहाँ सेम सिस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर माई आई बेस एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। सो फॉर दिस लुक मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा टर्न आउट होता है, कैसा लगता है। सो मैं यहाँ ले रही हूँ 20 समथिंग कॉस्मेटिक पैलेट एंड इसमें से मैं ये ग्रीन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं अच्छे से अपनी क्रीज पे ब्लश कर रही हूँ एंड मैं धीरे धीरे अपने कलर को बिल्डअप करूँगी। आप देख सकते हो आपको किसी भी कलर को डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करना होता है, आपको धीरे 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 अपने कलर को डार्क करना होता है। सो आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे अपने कलर को डार्क कर रही हूँ। सो या देन मैं सेम कंसीलर लेके एक फुल कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। सो मैं थोड़ा पास से आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। सो या देन मैं सेम पैलेट से ये रेड शेड ले रही हूँ एंड मैं अपने पूरे आईलेट पे इसे अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल ब्रश। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है ये। तो मैं अपने पूरे आईलेट पे इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने एक विंग सा ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने एक विंग सा ड्रॉ किया हुआ है। देन मैं सेम ग्रीन शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं रेड शेड को भी अप्लाई कर रही हूँ एंड रेड शेड को मैं अपने लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ लिया ये स्ट्रेकर की का आईलाइनर। सो जो मेरा क्रीज लाइन है मैं उसी लाइन पे अपने लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं एक थिन सा लाइनर लगा रही हूँ अपने क्रीज लाइन पे। देन मैं वाटर मिलियन के जो सीड्स होते हैं मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ अपने पूरे लिड पे। मैं ड्रॉ करूँगी थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, डिफरेंट साइज़ के मैं सीड्स ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं एक थिन आईलाइनर भी ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही थिन। आप देख सकते हो मैं कितना क्लोज ड्रॉ कर रही हूँ लैश लाइन के। तो मेरी दूसरी आई भी डन हो चुकी है। देन मैंने अपने लैसेस को अच्छे से कर्ल भी कर लूँगी। देन मैंने लोटस का मस्कारा यूज़ किया है, मैं दिखाना भूल गई थी।
देन मैं सेम पैलेट से मैंने ये पिंकी सा शेड लिया है एंड ये हाइलाइटर शेड है, पिंक शेड में हाइलाइटर शेड है, सो ये हाइलाइटर का भी काम करता है एंड ये ब्लशर का भी काम करता है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ये शिमरी सा है, तो इसे मैंने अच्छे से अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। देन मैं सेम पैलेट से हाइलाइटर शेड अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने अपने नोज़ पे, अपने चिक बोन्स पे, अपने अपर लिप से एंड चिन पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर को। ऑल्सो माई ब्रा बोन। देन मैंने किस ब्यूटी का ये लिपस्टिक लिया है इन द शेड रेड एंड ये प्योर रेड है एंड ये प्रॉपर मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, सो एंड इस आई लुक के साथ ये रेड शेड मुझे लग रहा था कि अच्छे से जाएगा, इसलिए मैंने ये रेड शेड यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई और शेड भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड मैंने अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है तो अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं मेरे इस लुक के बारे में एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।